उत्तर प्रदेश से आज बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बुरी खबर आई है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 400 सीटें जो है उत्तर प्रदेश के, उन सभी पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि एक सीट पर उनका विधायक है वो जीत कर आया था। कांग्रेस पार्टी के पास भी ज़्यादा विधायक है नहीं, तो ऐसे में आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर जो भी पार्टी ज़्यादा विधायक जीत कर आती है उस विधायक को यहाँ पर उनकी तरह उन विधायकों के लिए एक ऑफिस मिलता है, यानी विधानसभा में एक कार्यालय मिलता है। बहुजन समाज पार्टी को भी इतने साल मिला हुआ था, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से लेकर लगातार उनके पास ये कार्यालय रहा था, लेकिन इस बार आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है वो जीत कर आया। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास से और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों से आज विधानसभा के अंदर जो ऑफिस दिए जाते हैं वो विधानसभा की तरफ से वापस ले लिया, यानी कि अब विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यालय नहीं होगा। इस कार्यालय के अंदर बीएसपी के नेता पदाधिकारी बैठते हैं और इस ये घटनाक्रम यानी ये सामने आने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो सदन है वहां पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कार्यालय आज विधानसभा की तरफ से छीन लिए गए हैं, क्योंकि संख्या बल कम होने के चलते ये कार्यालय उनसे लिए गए हैं। कार्यालय अलॉट होने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि दोनों ही पार्टियों के दल अब विधानसभा कार्यालय में नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में 2 विधायक है और बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक है, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियों को यहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज आपको बता दें कि विधानसभा का जो कार्यालय वो भी उनसे वापस ले लिया, जबकि नई जो पार्टियां जिसमें सुभा सपा है, अनुप्रिया पटेल की पार्टियां, जिन पार्टियों ने विधायक इस बार जीते उन पार्टियों को यहां पर एक कार्यालय है वो अलॉट किया गया है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।